फरीदाबाद में बिजली कर्मचारियों का धरना लगातार 16 दिनों से जारी है। HSEB वर्कर यूनियन के बैनर तले लगातार कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कर्मचारियों ने बिजली निगम की सभी डिवीजन पर अपने निर्दोष कर्मचारी साथी जय माजिद खान की बहाली की मांग को लेकर विरोध जताया। कर्मचारियों ने निगम के अड़ियल अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि एक तो महकमे में पहले से ही कर्मचारियों की भारी कमी है और ऊपर से अधिकारी अपने कर्मचारियों को आए दिन परेशान करते हैं। साथ ही कर्मचारियों ने ये भी कहा कि जब तक उनके साथी जेई को बहाल नहीं किया जाता तब तक इसी तरह से वो प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारा जेई माजिद, उसको बगैर चार सीट के बगैर नोटिस को सस्पेंड कर दिया गया और हमने अपने SDO को 8 तक का नोटिस दिया था और 9 तारीख से धरना प्रदर्शन आज तक जारी है, लेकिन अभी तक उसे ना तो बहाल किया गया ना कभी उसको कहीं लगाया गया। तो क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जेई माजिद को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए, नहीं तो ये धरना 9 तारीख से चला हुआ है और अगर उसको बहाल नहीं किया जाता तो हमारी सेंट्रल काउंसिल या हमारी सर्कल कमेटी जो भी सोमवार को फैसला लेगी उसके लिए हम आगे की कार्रवाई करेंगे। आज जो धरना प्रदर्शन ये सब डिवीजन सब अर्बन सेक्टर 58 में जो चल रहा है इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि फिलहाल ये धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन यहाँ का जो मैनेजमेंट और यहाँ के जो अधिकारी हैं वह नहीं चाहते कि इस धरने को समाप्त किया जाए। यह जो हमारा कर्मचारी साथी माजिद जई है जिसकी बहाली के लिए आज हम 9 तारीख से संघर्षरत हैं और सब डिवीज़न सब अर्बन सेक्टर 58 में जो ये प्रदर्शन चल रहा है और इसी के समर्थन में बिजली निगम के 18 सब डिवीज़नों के जो कर्मचारी हैं लामबंद होकर लगातार सभी दफ्तरों पर अपने अपने 3-3 घंटे के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम मैनेजमेंट और यहाँ के विभागीय अधिकारियों से यह आग्रह करना चाहते हैं और कहते भी हैं। आपको बता दें पिछले 16 दिनों से बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है और जब तक इनकी मांगों को अब नहीं माना जाता कर्मचारी प्रदर्शन खत्म करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। फरीदाबाद से मनोज कुमार की रिपोर्ट, सत्य खबर। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।